अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिशनल कुकिंग एंड डेली रूटीन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आज आप देख रहे होंगे कि कुकिंग का कुछ सामान नहीं है यहाँ पे। आज कुछ स्टिचिंग का काम कर रही हूँ, कुकिंग से टाइम नहीं मिल रहा था काफ़ी दिनों से। तो बच्चों के कुछ कपड़े बनाने वाले थे और आगे ईद भी आ रही है, तो मैंने सोचा अब थोड़ा सा टाइम इधर दे लूँ। ये मेरे पास एक अपना दुपट्टा पड़ा हुआ था सूट का, कमीज़ ख़राब हो गई लेकिन दुपट्टा और शलवार बिल्कुल ठीक थे। तो इस तरीके से आप भी देख लें, बच्चों के अगर बनाने पड़ते हैं अपना कोई सूट इस तरह डैमेज हो जाता है और इसका कोई एक ऐसा भी आपके पास ठीक है शलवार या दुपट्टा, तो उससे बच्चों के कपड़े बना लें। तो अभी ये मैं लॉन का दुपट्टा है मेरा और इसकी मैं बनाऊँगी शर्ट अपनी बेटी की। ये जो मेरे पास सैंपल है ये लंबी पेटी वाला है, लेकिन अभी उसको छोटी पेटी वाला चाहिए, ये उस तरह का फैशन आया हुआ है। तो इसको हम 10 इंच लेंथ रखेंगे तैयार, ताकि ये हमारे पास 9 इंच की आ जाए। ये दुपट्टे को मैंने प्रेस करके इस रुख पे रख लिया। ये 10 इंच लेंथ, थोड़ा कपड़ा ऊपर से उतारेंगे ताकि हमारे पास ऑरेंज कलर का बॉर्डर ज़्यादा आ जाए, और ये ब्लू वाला थोड़ा सा नीचे से सीधा कर लेंगे। आजकल खुली फ्राकों का फैशन है, तो उस हिसाब से फिर थोड़ी सी पेटी भी मैं खुली रखूँगी। ये 14 है और हम इसको 15 इंच खुला रखेंगे ताकि तैयार हमारे पास 14 आ जाए। हम बाजू का निशान लगाएंगे इतना, इस तरीके से धुलाई करने में अक्सर इस तरह करती हूँ कि बच्चों के कपड़े अपने पीसों में ले लिए और गया, इस तरह से मैनेज करके तो दुपट्टा कोई नया रह गया तो उसके साथ शलवार मैच करके बना दी। ये हम इसके गले की कटिंग बाद में करेंगे, अभी निशान लगा के रख लेते हैं। अब ये दुपट्टे का दूसरा पल्लू भी इस तरह उतार के हम नीट कर लेंगे। अच्छा, आप लोग अगर दुपट्टे का बनाएं ना, किसी छोटी बच्ची का बना रहे हैं तो फिर इस रुख पे भी बनाएंगे तो बॉर्डर दोनों तरफ नीचे आ जाएगा। इस तरह से फ्रॉक की पेटी बना लें, लेकिन मुझे ज़रा बड़ी बच्ची का बनाना है और उसको लेंथ थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो मैं इसको दूसरे रुख पर बनाऊँगी।
देखो कट लगा हुआ है, तो यहाँ से मैं ये कपड़ा निकाल लूँगी। लॉन्ग के कपड़े अक्सर ज़रा से भी कहीं अड़ जाते हैं तो जल्दी फट जाते हैं, तो उसमें इस तरह के मसले मसाइल आते रहते हैं। अच्छा, ये जो फ्रॉक मेरे पास सैंपल है ना, ये फ्रॉक है थोड़ी शॉर्ट फ्रॉक है, और अभी हमें लंबी चाहिए। ये तैयार 31 है, हमने इससे 6 इंच लंबा करना है इसको। 37 पे रखेंगे ताकि तैयार हमारा 36 आ जाए। अब पेटी से आप पेटी और इसकी फ्रॉक के नीचे घेरे की टोटल लेंथ देख लें। 11 इंच ये है हमारे पास, 37 हमें चाहिए, तो आगे से हम लेंथ यहाँ से फिर पूरी कर लेंगे। कटिंग से पहले किसी भी कपड़े को बहुत अच्छी तरह से प्रेस कर लें ताकि इसकी सलवटें वगैरह निकल जाएं और कटिंग नीट हो जाए। अब 11 इंच की हमारी पेटी है, तो 26 इंच का हमें तैयार जो है नीचे का घेरा चाहिए। 27 पे हम रखेंगे इसको, फालतू का कपड़ा उतार लेंगे। अच्छा, ये बाजू के लिए ना मैंने दामन का कपड़ा, कमीज़ का दामन जो है वो उसका कपड़ा ठीक था, ऊपर से कमीज़ डैमेज हुई थी, ये मैंने रख लिया था तार के, ताकि बाजू में वापस ये लगा लूँगी।
से आप दोनों बाजू अलग अलग काट लें, अगर कपड़ा कहीं से डैमेज है तो ये ताकि नीट ऐसा हमारे पास आ जाए। अब इसको स्टिच हुआ हुआ फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। ये देखें फ्रेंड्स, ये जो मैं सुबह कटिंग की थी दुपट्टे की बना रही थी फ्रॉक, ये रेडी हो गई है। इसके साथ ये ट्राउज़र है, इसमें आप किस तरह मर्जी डिज़ाइन बना लें ट्राउज़र का। ये बीच में नेट वाली लेस, सीढ़ी लेस लगाई हुई है, तीन तीन प्लेटें डाली हैं। और ये फ्रॉक हमारा जो है ना तैयार है। ये इसके बाजू इस तरह से मैंने बेल वाले बना दिए। आप लोग भी इस तरह कोई भी घर में कपड़ा और स्टिचिंग अगर थोड़ी सी भी आती हो तो इंसान बना लेता है बच्चों के चेंजेस कर करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।